चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में विधानसभा सत्र की अवधि पर मुहर लग गई है। शीतकालीन सत्र की अवधि 3 दिन की होगी। बता दें कि विधानसभा सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को होगा। सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सदन के पटल पर कई बिल रखे जाएंगे। इस बार शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। ये 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। इस बैठक में सीएम सैनी के अलावा स्पीकर हरविंदर कल्याण, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल टांडा और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी शामिल थे। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने अपने बयान में विपक्ष पर भी हमला बोला। हरियाणा में अब तक विपक्ष का नेता न चुने जाने को लेकर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चुनना विपक्ष का काम है, वह कब तक चुनेंगे यह उनका मामला है। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है, वो किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, जो भी आएगा उसका। सर, विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो नहीं। देखिए, जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा। वही महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार को लेकर नायाब सैनी ने कहा कि वह पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। देश के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। महाराष्ट्र की जनता भी पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाएगी। कांग्रेस झूठ का प्रचार करती है, लोगों ने कांग्रेस के झूठ को देख लिया है। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा है। वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने ऐसा किया है। नहीं, देखिए, सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। उसका भी इम्पैक्ट है। और वहाँ भी लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांग देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी, जिसने लाभ लेना होता है उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर और खाली ये तो बातें कर रहे हैं। परंतु मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है लोगों को। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और किया है। एनवल लाइव की खास खबर।